दोस्तों, कैसे हो? आज हम जो करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% आता है और दो ही होता है। इस पर जो हम दो ही इसके पॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि करना भी इसको आसान होता है, इसलिए आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहली बात जो ये होता है कि आप जब भी वीडियो देखा करो, पूरा देखो, अधूरा ना देखा करो, ठीक है। इससे आपको नुकसान पहुंचती है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो और वो हमेशा अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, और इससे जो प्राप्त करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। मैं खुशी के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। ये हमारा जो है बी पार्ट है। ए पार्ट में हमने तीन क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, ये चौथे क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होगे भाई कि हम तीन ही क्वेश्चन क्यों डिस्कस किए। दोस्तों, समझाने में समय लगता है, ठीक है। आप देखते हो कि टीचर जो स्कूल में आते हैं आपको दो ही तीन क्वेश्चन करा पाते हैं पूरे पीरियड में, क्योंकि और यहाँ पर तो मुझे कभी उनका 45 मिनट का पीरियड होता है, मेरा देखिए कितना का होता है। सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मुश्किल से एक आधा घंटा के नीचे नीचे ही वीडियो रहे जो आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले अपना किताब होता आप कॉपी भी निकाल लीजिए, साथ में करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 80 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या सिंपल ही दिया हुआ है, कोई खास नहीं है, ठीक है। इसका आपको दिया हुआ है एक 18 दे दिया है, एक दे दिया है आपको 10, और आपसे पूछा है कि भाई इसकी पेरीमीटर जो है आप इसका 42 है, बट ये नहीं दिया हुआ है हमें। तो दोस्तों, इसको करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है, देख सकते हो आपको बुक में। तो देखिए, हमें ए गिवन है, ये कितना है दोस्तों 18 ले लो, बी कितना है 10 है, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, हमें पता ही नहीं सी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पता ही होगा आपको क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना। तो पेरीमीटर देखिए कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 42 गिवन है हमारे पास। तो देखिए 18 प्लस 10 प्लस सी, ये सब हमें गिवन है। अब इसमें क्या हो सकता है, 42 इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दीजिए 28 प्लस सी। तो देखिए ये सी है, ये 42 इधर आ जाएगा माइनस होने के लिए, 28 हो जाएगा सी इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा दोस्तों, कीजिए तो इसका जो हो जाएगा हमारा जो इसका माइनस करके जो आएगा वो आएगा आपका 4, ठीक है। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, हमारा जो है अब जो है ए भी 18 मिल गया, बी भी हमारे पास 10 मिल गया और सी भी 14 मिल गया। जब हमें तीन चीज़ मिल चुका होता है तो आपको पता है हम आगे क्या करते हैं, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे उनको पता ही है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, पेरीमीटर का ट्रायंगल यानी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। जिसे हम एस बी कहते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना, अपॉन टू। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 18 प्लस 10 प्लस 14। अब पता है क्या, कुछ बच्चे जो होते हैं ना इसको जोड़ने में लग जाते हैं, कैलकुलेट करने में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है 42 इसका पेरीमीटर है तो 42 ही आएगा, ठीक है। और पता है क्या, कभी कभी हमारा जो होता है गलत भी निकल जाता है, अगर आपने यहाँ पर सही कैलकुलेशन किया तो आंसर आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो उसे काट दीजिए कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अगर ये आ चुका है तो आपको पता है हेवेंस के फॉर्मूले जो होती है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना। तो एस देखिए 21 है, ठीक है। 21 माइनस कितना जाएगा हमारे पास, 18, ठीक है। फिर क्या आएगा, 21 माइनस 10, फिर क्या आएगा, 21 माइनस कितना जाएगा दोस्तों, 14। तो इस तरह से जो है सवाल हमारा होगा। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। 21 इसको माइनस कीजिए कितना आता है, 18 को 21 से माइनस कीजिए, ठीक है। तो कितना आता है, देखिए कितना है आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए 8, 9, 10, 11 यानी 3। अब इसको माइनस कीजिए कितना आएगा दोस्तों, कीजिए पहले, मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आप भी कर सको, ठीक है। साथ में करते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा आसानी से हो जाए। दोस्तों, फैक्टराइज करना भी बच्चों की बहुत होनी चाहिए समझ, ठीक है, कि कैसे किया जाए। आपको पता है कि 3 इंटू 7
21 होता है इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब तो कन्फर्म्ड हो गया कि ये इसका बन गया और इसका ये बन गया, तो रह गया 11 अंडर 3 इंटू 7 अंडर रूट 11। ठीक है, तो कह सकते हो इसका आंसर जो होगा 21 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है और आसानी से भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम व्यू से भी और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करते हैं ना, आप थोड़ा सा ना कहीं और से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल के उसको किया करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना करोगे ना, कोई डाउट आता है तो पूछो। ठीक है, डाउट नहीं रखना है माइंड में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। नाइन्थ क्लास है और नाइन्थ क्लास में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा वो बना के दे देते हैं एग्जामिनर, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, और ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे वो अच्छे से करें। इसमें क्वेश्चन यही बोला है कि साइड ऑफ ट्रायंगल एरिया इन द रेशो ऑफ 12:17:15। ठीक है, एंड इट्स अ पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स एरिया। तो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट हम क्या मान लेंगे, एक्स, माना कि एरिया एक्स है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हो रेशो में दिया हुआ है। तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 12x, बी कितना हो जाएगा 17x, और सी कितना हो जाएगा दोस्तों 25x। ठीक है, अगर देखिए अगर ऐसे सोल्यूशन करते हैं ना तो आपको शायद आंसर ना आता, क्योंकि एक्स लेके चलना बहुत समझदारी वाली बात है, आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फार्मूला तो पेरीमीटर का आप लोगों को पता ही हो चुका है, पेरीमीटर फार्मूला पता ही है क्या है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, और आपको पेरीमीटर दिया हुआ कितना दिया है 540, यही दिया हुआ है ना। आप अपना बुक में भी ध्यान देते रहो, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। ठीक है, और गलत हुआ तो फिर मैं अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा। ठीक है, 17x प्लस 25x, तो देखिए 540, अब इन सबको प्लस कीजिए। ठीक है, हाँ सात इतना होगा 9, ठीक है तो यहाँ 4 आएगा एंड 5। ठीक है, x देखिए कहते ना सवाल जो होता है बड़ा होता है, लेकिन एग्जामिनर को पता होता है कि बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो गया 540 अपॉन 54, कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू कितना गया 10। अब 10 आ गया है तो a कितना होगा दोस्तों 12 × 10 इक्वल टू 120। ठीक है, b कितना होगा 17 × 10 इक्वल टू 170, और c कितना हो जाएगा 25 × 10 इक्वल टू कितना जाएगा 250। अब देखिए हमारे पास जो है ए बी सी तीनों आ चुका है, जब तीनों आ चुका है तो आपको पता ही हम क्या करते हैं, उसके बाद पेरीमीटर एस के लगा देते हैं फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही लगाते हैं ना। जब ये लगा देते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, उसके आगे 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, सबको प्लस कर लीजिए। आपको पता है सबका प्लस जो है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पेरीमीटर गिवन हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, इसको काट दीजिए कितना आएगा 224। ठीक है, 224 आ गया, और क्या आएगा दोस्तों 70। तो आप कह सकते हो एस इक्वल टू कितना है 270 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इतना कुछ आ गया है तो आपको पता ही है कि आगे हिडवेंस का फार्मूला जो होता है एरिया का, वो तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है, तो है तो अच्छी बात है। बार बार कर मैं ही कहता हूँ कि बार बार कोशिश करने से ही कामयाबी हमें मिलती है। तो देखिए बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद रखना है, बच्चों को भी याद कराना है, और आप भी मेरे से गलत ना सीखो, इसलिए मैं लिखता हूँ बार बार। ठीक है, मैट्रिक वाला यूज़ नहीं करता कि भाई ये हो गया वह हो गया आप एग्ज़ाम कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आ गया, अब लगा दीजिए इसमें, अप्लाई कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है 270 है। ठीक है, 270 माइनस ए कितना है दोस्तों हमारे पास 120, फिर क्या है 270 माइनस 170। ठीक है, और 270 माइनस 250, तो इस तरह से जो हमारा है सारा कुछ गिवन है। मैंने इसको आगे ना बढ़ा के इधर बढ़ा दिया है तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो आप देखिए माइनस करेंगे हम सबका, 270 तो जीरो रह जाएगा, 120 है तो कन्फर्म है कि इसका 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 150, क्योंकि 500। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 27 है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 567 तो 20 आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर जो है बच्चे ये कन्फ्यूज में रहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स को मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। तो बच्चों इसमें भी थोड़ा समझदारी है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ 3 × 3 × 3 हो सकता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 =
27, ठीक है। और यह और इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 भी है ना 0। अब इसको क्या हो सकता है, देखिए 3 इंटू 5 इंटू कितना जाएगा 10। आपको पता है 100 का क्या बनता है, 10 इंटू 10। और उसके पता है कि इसका क्या बनता है, 2 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ 1 2 3 4 5 10 है, 5 10 है, लेकिन हमें तो 4 ही चाहिए होगा उसको स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए। तो एक 10 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सिंपली फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको, देखिए अब हम जो है कितने बार 3 है, 1 2 3 4 टाइम है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 10 कितना टाइम है, 1 2 3 4, हम 4 ही टाइम लेंगे, एक 10 को हम बदलेंगे, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। तो इतना हो गया, अब मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको दोस्तों, क्योंकि आपको उधर नहीं दिखेगा, ठीक है, इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है इसकी, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 3 हो गया, ये हो गया, अब कितना क्या रह गया, 2 रह गया है और 10, तो और 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, देखिए ये 5 जो दोनों मिल के क्या बना दिया, 10 बना दिया, 10 बना दिया ना, जो 10 हमारा लास्ट में था वो 10 को हमने क्या किया, 5 2 कर दिया, और जो यहाँ पर 5 था उसको हमने 5 ही रखा, ठीक है। और यहाँ जो 2 था इसको यहाँ हमने 2 ही रखा। सवाल जो है आसान तरीके से करने से होता है, तभी टाइम भी बचती है और नॉलेज भी लगती है, और हमें जो है कोई भी एग्जामिनर इसलिए हमें टेस्ट लेता रहता है कि वो हमें नॉलेज की परीक्षा लेता है कि हम कितने कैपेबल बन चुके हैं, कितने काबिल बन चुके हैं इस क्लास के लिए। अब देखिए जो जो है ये हो चुका है, अब हमें अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो है अब निकालने की बारी है, तो हम टाइम क्यों पास करें। 3 इंटू इसमें से 1 3 आ गया, 1 3 इसमें से आ गया, 10 इसमें से आ गया, 1 10 इसमें से आ गया, 1 2 इसमें आ गया, 1 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा आ गया, अब देखिए 3 3 9 और 5 2 10, तो हो गया 3 3 9, 1 2 1 3 0 इसका बन जाएगा, देखिए आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम था तो आप मुझे बता सकते हो, सवाल जो है इतने आसान तरीका से मैंने बताया, ये आपके लिए ही बताया गया है कि आप अच्छे से कर सको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में से ही मान्यता रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या क्या क्वेश्चन है, हिंदी पंजाबी में आपको दिख रहा होगा और इंग्लिश में। तो इसमें यही बोला है, आइसोसाइकल ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज़ अ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दोस्तों इसमें डायरेक्ट उसने एक क्वेश्चन बोल दिया है, आइसोसाइकल ट्रायंगल, जब आइसोसाइकल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आपको शायद आपने बचपन से ही पढ़ते रहे होगे और जाना भी होगा, ये क्वेश्चन जो है 6th है, आप बुक में भी देख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो देखिए आइसोसाइकल ट्रायंगल की कुछ खासियत भी होती है, अगर आपने थ्योरम सब पढ़ा होगा, इसके दो साइड जो होते हैं ना इक्वल होते हैं, ठीक है, एक साइड इसका अलग होता है, ठीक है, समझ सकते हो वाई हो सकता है। जब दो साइड इक्वल है तो उसने बोला है ना कि इक्वल साइड इज़ अ 12 सेंटीमीटर, यानी जो है ये एक्स दोनों जो होगा, यानी ए जो होगा 12 होगा, बी जो होगा 12 होगा, और सी हमें पता नहीं है। अब पता नहीं है तो उसने क्या कर दिया है, आपको मैंने कहा ना जो एग्जामिनर होता है कभी क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ता है, उसे ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 30, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल गिवन है आपको 30 गिवन है ना, तो गिवन है तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो लगा दीजिए फार्मूला में, इधर 30 होगा, 30 है ना पेरीमीटर, ए कितना है 12, बी कितना है 12, सी कितना है हमें पता नहीं, तो 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, तो सी इज इक्वल इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 माइनस 24, तो देखिए कितना आ गया, सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, सी जो था आपके आ गया कितना आ गया, देखिए 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास, आपको पहले ही मैं कह चुका हूँ, जब हमारे पास सारे कुछ गिवन होता है, ए हमारे कितना का 12 हो गया, बी 12 हो गया, सी हमारे पास 6 हो गया, तो सवाल करना मुश्किल रहता है दोस्तों, नहीं ना, अब तो आधा सी आपको पढ़ चुकी है। अब देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 12 प्लस 12 प्लस 6 2, हमें प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है किसका क्या है 30 है, मैंने कहा ना थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है दोस्तों,
कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना, दिमाग जिसके पास है वो हमेशा आगे रहता है और जीवन में कामयाब भी होता है। सिर्फ बैठे रहने से, देखने से नहीं होता है, इसको कॉपी पे किया जाता है। मैथ जो होती है कॉपी पे। देखिए, मैं समझा सिर्फ नहीं रहा हूँ, आपको करके भी दिखा रहा हूँ। इससे ये साबित होता है कि जब गुरु कर सकता है तो क्या शिष्य को फ़र्ज नहीं बनता कि वो भी साथ में करे? तभी तो कामयाबी मिलती है। सिर्फ वीडियो हाथ में ले लेना, मोबाइल ले लेके आप कामयाब नहीं बन सकते दोस्तों। बार बार इसको कॉपी निकालो करो, बड़े मज़ा आएगा आपको करने में। देखिए, पढ़ाई लिखाई जो होता है बहुत मज़ेदार होता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मज़ेदार नहीं है, वो महान है फिर, ठीक है। अब देखिए, तभी तो कामयाब कैसे होंगे जब इनकी सोच ही ऐसी है। हमेशा सवाल जो है कॉपी पेंसिल पर की जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, जो हेवेंस का फॉर्मूला को हमने इस्तेमाल यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, वही अप्लाई कर देने हैं। यस तो हमें पास गिवन हो ही है, ठीक है। 15 माइनस पहला कितना का 12 आएगा, 15 माइनस कितना आएगा 12 आएगा, और क्या आएगा 15 माइनस 6 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस अंडर कितना गया 15, माइनस कीजिए कितना आएगा 5, 12 3 आ गया, 3 आ गया इंटू कितना जाएगा दोस्तों, देखिए 9। देखिए, सवाल तो पहले ही बोल चुका है कि मैं हो चुका हूँ कंप्लीट। अब देखिए, इसका क्या बनता है 3 × 5 बना दीजिए, 3 × 3, और इसका बनता है 3 × 3। तो देखिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये दोनों रह गया बेचारा। तो 5 × 5 = 15, तो 15 अंदर रह गया और ये 3 × 3 बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, जब बाहर निकल चुका है तो ये बाहर निकल गया, तो ये क्या हुआ 3 × 3 = 9 √15। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। कोई मुश्किल था, कुछ कोई प्रॉब्लम था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम भी उसे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई इसका जो मेन है एस जो है ये क्या है, इसके बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि हेवेंस के फॉर्मूले से करना है, अगर ये तीनों चीज़ आपको गिवन मिल जाता है, ठीक है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम 12.2 करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिया जाएगा, तो उस कन्फ्यूज़न को हमने क्या करना है, अपनी समझदारी से इसको करने की कोशिश करना है और कोशिश करके उसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसको बार बार आप क्या कीजिए, कीजिए प्रैक्टिस, ऑटोमेटिक जो है आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो है इसका जो है 12.1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हम जो है आप मिलेंगे 12.2 में, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ, और आप भी रहिए हमेशा जोश में, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों त्रिपान स्टडी सेंटर में जो आपने इतना अच्छा टाइम व्यतीत किया, ठीक है, और आपने जो मुझे सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।